Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA, and Canada. Let's learn and earn from your home. ठीक है, अब इसके नीचे हम एडिट बॉक्स लगाते हैं। हियर इज इट। यहां से हम इसको ड्रैग करेंगे, यहां पे इसको ले आएंगे। ठीक है, यहां पे वेयर इज इट, दिस इज द थिंग। ठीक है, अब इसको आप इसकी अलाइनमेंट अप्लाई करें। ठीक है, यहाँ पे आपने नेम एंटर करना है, यहाँ पे आए इसकी बैक साइड पे, यहाँ पे लिख देते हैं हम एंटर नेम। ठीक है, आप यहाँ पे हिंट भी प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, ठीक है, एंटर ईमेल, दिस वन के ऊपर से टॉप से जो है इसका टॉप मार्जिन हम कम करते हैं, 10 dp इज इनफ। ठीक है, इसको थोड़ा और इंक्रीज कर ले आप, जिस तरह से आप इसकी पैडिंग अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सेम उसी तरह से जिस तरह से आपने टेक्स्ट व्यू पे अप्लाई की थी। ठीक है, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम एंड एवरीथिंग। वेल, आई हैव टू कॉपी फ्रॉम हियर टू हियर। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, आप इसको खुद टाइप करेंगे तो ज्यादा बेस्ट है। ओके, ठीक है गाइस, ओके, दिस वन आप अगर इसका कलर चेंज करना चाहो तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज भी आते हैं, टूल को हैंडल करें इसको बेस्ट तरीके से, हर बेस्ट से बेस्ट चीज बनाएं। यू कैन डू एवरीथिंग, जस्ट पैशन एंड इंटरेस्ट मैटर। ठीक है, इसी तरह से अब हम पासवर्ड का भी बना देंगे। इसी को हम कॉपी करेंगे और पासवर्ड के लिए भी बना देंगे। अच्छा, अब इधर एक और क्वेश्चन आ जाता है, वो ये कि अब लाइक ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ईमेल जो होती है वो एक सिंगल लाइन की होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंगल लाइन का एट्रीब्यूट भी डाल दे कि जो आपका ये बॉक्स सिंगल लाइन से ज्यादा बढ़ाना हो। ठीक है, आप इसकी ग्रेविटी सेट कर सकते हैं, आप इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। कॉपी इट, हाँ जी, आप उसको हाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वेरी सिंपल, इनकरप्ट कर दें उसको। ये सारे एट्रीब्यूट्स आपके पास यहाँ पे होते हैं और आपने यहाँ से उसको अप्लाई करना होता है। ठीक है, ओके जी, बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह से हम पासवर्ड भी अप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, एंड देन हम यहाँ पे बटन को भी शो कर देंगे। वेल, मैं कर ही देती हूँ।
एडिट टेक्स्ट लाइक आपको अब आइडिया हो ही गया होगा कि किस तरह से हम अपना इंटरफेस डिजाइन कर सकते हैं। ये भी हमने रिलेटिव लेआउट किया है। क्या चीज कॉपी पेस्ट? कॉपी पेस्ट आप क्या करना चाह रहे हो? एडिट टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट? ये हम एडिट टेक्स्ट को इस वक्त मैंने कॉपी पेस्ट करके लगाया है, पिछले वाले को ही देन मैंने फिर आगे यूज कर लिया। अच्छा हाँ जी, आप फ्रंट एंड से भी इसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एग्जैक्टली कर सकते हैं। यहां से इसको कॉपी करें, पेस्ट कर दें, एक और बन जाएगा। वेरी गुड पॉइंट, ठीक है। यू कैन डू इट लाइक दैट, यू कैन डू एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर इट। ओके ठीक है, अब रह गया बटन। इधर किया बटन, सेम इसी तरह से हम बटन भी हमारे पास डिफरेंट साइजेस के यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। स्मॉल होता है, लार्ज होता है, एंड बटन चाहिए। और यहाँ पे इसको ले आएंगे, ठीक है। अब इसका टेक्स्ट हम चेंज कर देते हैं, बटन शुड बी, यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉग इन, ठीक है गाइस। दिस इज, ये हो गया हमारा एक लेआउट तैयार बाय यूजिंग, थोड़ी सी अलाइनमेंट थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, ये आप लोग फिट कर लीजिएगा। दूसरी चीज ये है कि ये हमारे पास एक छोटा सा LWE की ऐप का एक फर्स्ट लेआउट तैयार हुआ है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक इमेज लगा हुआ है और हमने एक लॉगिन स्क्रीन छोटी सी बनाई है, ठीक है। ये हमने रिलेटिव लेआउट यूज किया है। सेम इसी तरह से आपने इसको कॉपी करना है, इसको पेस्ट कर लेना है। दिस वन ये मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने कंट्रोल सी किया, मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल भी कर देती हूँ। ठीक है, ये देखिए तीन हो गए हैं। ओके कोई बात नहीं, जो आपकी क्यूरी नहीं क्लियर हो रही है यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके अच्छा जी, ये हो गया आपके पास रिलेटिव लेआउट। ये हमारी वर्किंग थी रिलेटिव लेआउट के साथ, ठीक है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन क्यूरीज को प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर सकते हैं। अल्लाह।